जनपद मुरादाबाद के सभी परिषदीय स्कूलों के रखरखाव और जर्जर हालत में विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए अब विभाग द्वारा बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी परिषदीय स्कूलों में विकास कार्य कराए जाएंगे, साथ ही जो विद्यालय जर्जर हालत में है उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। जनपद मुरादाबाद के 54 परिषदीय विद्यालयों में विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसके लिए शासन द्वारा विभाग को पैसा भी मिल चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह ने बताया कि मुरादाबाद के सभी परिषदीय स्कूलों में बेहतर शिक्षा और रखरखाव के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में 54 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जो जर्जर हालत में है। ऐसे में उन विद्यालयों में निर्माण कार्य कराने के लिए भी शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं और पैसा भी मिल चुका है। जल्द ही स्कूलों में विकास कार्य कराए जाएंगे और बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। उद्देश्य यही है कि स्कूलों में विकास कार्य कराए जाएं और बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए। सर, मुरादाबाद के जितने प्रसिद्ध स्कूल हैं, अब उनके रखरखाव के लिए क्या काम किए जा रहे हैं? जितने हमारे परिषदीय स्कूल्स हैं उनकी छात्र संख्या के अनुरूप सबसे पहले तो कंपोजिट ग्रांट हमको प्राप्त हुई है, वो सभी स्कूलों को भेज दी गई, उसके अनुरूप काम चल रहे हैं। इसके अलावा पंचायत राज विभाग से भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है, वहाँ से भी काम हो रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड या विभिन्न जो हमारे स्मार्ट सिटीज हैं उनके माध्यम से भी हमारे यहाँ काम हो रहा है। इसके अलावा विभाग में पहली बार ये भी हुआ है तो कि हमारे जो जर्जर भवन हो गए थे उनके पुनर्निर्माण के लिए भी हमको धनराशि प्राप्त हो गई है। ऐसे हमारे 54 विद्यालय ऐसे थे जिनके पुनर्निर्माण के लिए हमें धनराशि प्राप्त हुई है। उसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो संस्था है REDE उसको हम लोगों ने आबद्ध कर लिया है, उसके साथ अनुबंध भी हो गया है। हम लोगों ने प्रथम किस्त उनको स्थानांतरण भी कर दी है और बहुत जल्दी उसमें निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बच्चों को बेहतर शिक्षा और अच्छा माहौल देने का भी प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, दोनों पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला तो स्कूलों के जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब उसके हार्डवेयर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। मिशन कायाकल्प के तहत उसमें सभी काम किए जा रहे हैं। जो हमारे 19 पैरामीटर्स हैं उन पे हम सभी विद्यालयों को संतुलित कराने के लिए कटिबद्ध हैं। साथ ही हमारा जो उसका सॉफ्टवेयर है, मतलब बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, बच्चों की दीक्षा है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके तहत हम लोग निपुण भारत के तहत काम कर रहे हैं। साथ ही जो मंडलायुक्त महोदय ने भी यहाँ एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम लोगों ने कक्षा 1 से 5 तक की बच्चों की परीक्षा करा करके उनका बौद्धिक स्तर जाना है, उसके आधार पर भी हम लोग काम कर रहे हैं।